राहुल भाई होली पे भी नॉनवेज खा रहे हो यार? तुम लोगों को नॉनवेज से बड़ी दिक्कत है। अब बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से चंदा ले लिया इलेक्टोरल बॉन्ड में इस सरकार ने, उससे समस्या नहीं है। देखिए भाई, किसी को नॉनवेज से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप लोगों को है क्योंकि आप लोग बेरोजगार हैं। सोचते हैं कि यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो जाएगी और फिर पैसा ही पैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एलाना सन्स नाम की कंपनी ने और उसी की दूसरी कंपनी प्रियारो पेको जो बीफ एक्सपोर्ट करती है उससे 2019 में चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड में। अब इनको ये भी पता है कि किसने किसको कितना चंदा दिया। अभी पिछली सरकारों के बारे में पूछा जाए तो ठनठन गोपाला हो जाएगा। इनको ये भी नहीं पता होगा कि किसने दिया, कहां गया वो पैसा। उन सभी से गुजारिश है, जितने भी लोग ये सोचते हैं कि सरकार वेजिटेरियन के साथ है, सरकार वेजिटेरियन करना चाहती है लोगों को, उन लोगों का वहम उस दिन दूर हो जाएगा। जाके एक बार किसी भी मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के बाहर जाके एक बार प्रदर्शन करके दिखा दो। अब भाजपा ने तो कभी नहीं कहा कि जो नॉन वेजिटेरियन होगा उसका विकास हम नहीं करेंगे, जो वेजिटेरियन होगा उसी का करेंगे। यही बात यदि आप किसी और के बारे में कहते हैं ना तो वो आपका भूत उतार देता। फिश है, चिकन है, ये सब कुछ बॉडी के लिए अच्छा है, खराब नहीं है। इससे सेहत बनती है, सेहत खराब होती है 60-90 का क्वार्टर जो उसके पीछे चल रहे हैं, जो होली की आड़ में लोग पी रहे हैं उसे नहीं। 60-90 का क्वार्टर है ना, वो सरकार के साथ साथ आम आदमी भी बेचता है जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है। जय श्री राम।